तो आज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है Xiaomi का एक्वेरियम, मी एक्वेरियम। चाइना में Xiaomi ने अपना मी एक्वेरियम लॉन्च किया और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर्स है। और कभी कभी जब हम बात करते हैं ऐसे एक्वेरियम्स की, जैसे मैं भी फिश पालता हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा आइडिया है फिशेस के बारे में, एक्वेरियम्स के बारे में, कैसे क्लीन करना, सब कुछ के बारे में काफी ज्यादा आइडिया है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो 3000 में ये जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो एक्वेरियम होते हैं वो 10-12-13 हज़ार में भी ये सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते। मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस एक्वेरियम के बारे में। देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो प्राइसिंग है वो है 3,100 रुपया, ठीक है। चाइना में प्राइसिंग है, इंडिया में अगर आएगा तो 3,500 तक मान लो, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसा है कि मतलब पावर बैंक से भी चल सकता है ये, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूर ज़रूरत है क्योंकि इसमें अपना अंदर ही क्लीनिंग प्रोसेस है, लाइट्स भी है, ठीक है। इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया, वो फोटो दिख ही रहा होगा आपको, कि ऊपर एक प्लांट है और नीचे भी आपको एक एक्वेटिक प्लांट मिलता है। मतलब जब आप इस एक्वेरियम को खरीदते हो, अंदर ही अंदर एक एक्वेटिक प्लांट का सेटअप मिलता है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल प्लांट की सेटअप मिलता है, ठीक है। और पानी आप फिल कर लो इसके ऊपर और पावर बैंक से चला लो या करंट से चला लो। इसके अंदर 4 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस है। मतलब आपको ना पानी, जैसे मैं महीने में 2 बार पानी बदलता हूँ, कभी कभी 20 दिन में 1 बार पानी बदलना पड़ता है, हमारा इतना बड़ा एक्वेरियम है, ठीक है। तो 20 दिन में 1 बार पानी बदलना पड़ता है, वरना जिस दिन बदलोगे ना उस दिन मर जाऊँगा, उतना ज़्यादा बदबू आने लग जाता है। तो 20 दिन में 1 बार तो ज़रूर बदलना पड़ता है। पर इसमें ऐसा है कि इनका वादा है, दावा है कि 2 महीने या 3 महीने भी पानी को बिना बदले चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा एडवांस है। सबसे पहले वो वॉल्केनिक रॉक्स नाम का एक लेयर्स है, आपको पानी को फिल्टर करेगा। फिर मैग्नेटिक रिंग रॉक के नाम से एक चीज़ है, उससे फिल्टर करेगा। उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन, आप सबको पता है कि एक्टिवेटेड कार्बन कैसा होता है, बहुत सारे इंस में भी, क्रीम्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि उसका मतलब एक्टिवेटेड कार्बन अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, डर्ट वगैरह को, क्लॉग जैसे स्किन में लगाते हैं तो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन के जो डर्ट है, पोर्स है, सब कुछ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ काम करेगा वो पानी के अंदर भी। और उसके बाद जो 4th लेयर है वो है बायोकेमिकल कॉटन। इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर ये 4 स्टेप का प्रोसेस है जिसके वजह से पानी अपने आप क्लीन होता रहेगा। और एक और फीचर बहुत अच्छा लगा, जैसे मेरे जो एक्वेरियम है उसमें ऐसा मान लो कि मुझे पता नहीं कितना लीटर पड़ता है, पर इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो उसमें से पानी निकालने में जान चली जाती है यार, क्योंकि देखो उसे पूरा उठा के तो मैं ले के नहीं जा सकता बाथरूम या जहाँ पे भी पानी बदलता हूँ। तो बहुत मतलब मैंने बहुत ही फालतू का टेक्निक यूज़ करता हूँ, एक पाइप ले लेता हूँ, उसमें पानी भर लेता हूँ और उसमें से फ्लो से नीचे आ जाता है, वो एक अलग ही सिस्टम है, तो वैसे करता हूँ। पर इसमें ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने एक बटन दबाया पानी सब बाहर ड्रेन हो गया, और एक और बटन दबाया नीचे से पानी, मतलब जिस भी कंटेनर से पानी ले रहे हो वहाँ से अंदर चले जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा, मतलब 3000 के टैंक में हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स जो टैंक है वो आपको हल्का सा छोटा मिलेगा, अगर 3000 में आप नॉर्मल टैंक खरीद रहे हो तो वो बड़ी मिल जाएगी, पर ये हल्का सा छोटा मिलेगा। और जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ये फाइबर ग्लास वाली बॉडी है, ग्लास का नहीं है, तो ये भी अच्छा लगा, क्योंकि ग्लास का ना टेंशन रहता है टूटने का, तो फाइबर ग्लास का है तो ओके, इट्स फाइन, इट्स गोना बी ड्यूरेबल, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इसमें बहुत सारे लाइट्स हैं, जैसे यार 8GB लाइट्स कह सकते हैं, लगभग 16-17 लाइट्स है जो आप सर्कल कर सकते हैं बदलने के लिए। वैसे यार वाइट लाइट मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि नॉर्मल LED में वाइट होता है, तो इसमें बहुत सारे लाइट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और जैसे हम देख रहे हैं Xiaomi जो है इंडिया में उतना प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करता, पर चाइना में ना पेन से लेके पेंसिल तक, इरेजर से लेके क्या बताऊँ यार मैं, तरह तरह के अनोखा चीज़ वहाँ पे लॉन्च होते हैं Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi सिर्फ मोबाइल कंपनी नहीं है, या कस्टम रोम वाली कंपनी नहीं है, या सिर्फ टीवी वाली कंपनी नहीं है, वो लाइफस्टाइल में भी घुस गए हैं, उनका स्मार्ट प्लांट है, क्या बताऊँ मैं, कहते जा सकता हूँ बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें Xiaomi प्रोड्यूस करते हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि Xiaomi इंडिया में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को लाए, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और चीप भी होता है उसी सेम टाइम पे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस फिश टैंक से। वैसे हमारा टेक चैनल भी ये सब कवर नहीं करना चाहिए, पर यार देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा टेक है, ठीक है, तो मैंने सोचा कवर कर लूँ, क्योंकि मैं एक जो नॉर्मल एक्वेरियम यूज़ करता हूँ मुझे पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और अगर इस चीज़ पे भी टेक या टेक्नोलॉजी आ जाए तो कितना ज़्यादा ईजी बना सकता है उस एक्सपीरियंस को।
फिश पालने का एक्सपीरियंस को, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम लेटेस्ट फ़ोन्स पे रिव्यू करते हैं। फ़ोन्स खरीदते महीने में दो और बहुत सारी वीडियोस आती है टेक्नोलॉजी के, दिन में तो आ ही जाते, बस मैंने कल छुट्टी लिया था, थोड़ा सा काम था। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।